मैं हूं आपका एजुकेटर संदीप एम कामले फिर से आप सभी के लिए दोस्तों मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं दैट इज़ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल अबाउट इंडिया एंड चाइना फैक्ट्स ऑफ 2020 और इस चीज़ का जो मैं विश्लेषण करने वाला हूँ वो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया को भी कवर करने वाला है दोस्तों वी विल बी ऑल्सो कवरिंग द बॉर्डर डिस्प्यूट्स विच हैज़ गॉट अराइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना और हम इसमें कई सारे फैक्ट्स को सीखने वाले हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्योंकि हम अभी पास्ट वन एंड हाफ ईयर टू ईयर में देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त टेंशन अराइज़ हो रखा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना एट द फ्रंटियर ऑफ एल ए सी दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड अक्साई चीन अब एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और कई और एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड चाइना जैसे कि एस एस सी हो एस का पी एग्ज़ाम हो या तो एस का क्लर क्लरिकल एग्जामिनेशन हो या तो आई हो या तो फिर रेलवे के एग्जामिनेशन हो तो देर आर मल्टीपल एग्जामिनेशन जिसमें इंडिया और चाइना के इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन या तो फिर करंट अफेयर्स क्वेश्चन आ सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स सीखते इस टॉपिक को बिल्कुल बेटर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सो फ्रेंड्स वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द नंबर वन टॉपिक दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट अब देखिए यहाँ पर थ्री इंपॉर्टेंट चीज को हमने डिवाइड कर रखा है दैट इज कंट्री और इंडिया और चाइना के बारे में आप सब जानते हो कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू डेली एंड द कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग द करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपीज एंड द करेंसी ऑफ चाइना इज़ युआन और हम इसे रिमिनी भी कह सकते हैं ठीक है तो अगर आपके एग्जाम में आएगा कोई क्वेश्चन कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना तो आप इन दो चीज़ों को देखिए अपना आंसर बनाइएगा आप जानते हो कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी ये तो सबको पता है लेकिन दोस्तों एग्जाम में एस एस लेवल की एग्जाम में या तो फिर आई बी के एग्जाम में या तो कोई और एग्जाम में जो लोअर देन यूपीएससी हो उसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना कौन है क्योंकि काफी कम लोगों को पता है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना तो यू सपोज टू नो हिज नेम इज ली कियांग क्या है नाम बताइए इसका ली कियांग अब प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया आपको पता है दैट इज रामनाथ कोविंद जी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इज जी जिमपिंग और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी एंड इंग्लिश ठीक है और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना इज चाइनीज और मैंडरिन ये दोनों इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जो चाइना में बोला जाता है और दोस्तों आपको याद रखना है द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज मैंड जो चाइना में बोला जाता है तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो फ्रेंड्स देखो अब हमें यही सीखना है कि वॉट इज द जोग्राफिकल फैक्ट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना हम एक के बाद एक सीखेंगे फर्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट द फिजिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया फ्रेंड्स देखिए इंडिया जो है पाकिस्तान जो इंडिया के वेस्ट में आता है तो हमको ये जानना है कि पाकिस्तान जो है इंडिया के वेस्ट में आता है सेकेंड आप देखिएगा चाइना नेपाल और भूटान इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आता है बताइए चाइना नेपाल और भूटान इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आता है और पाकिस्तान इंडिया के वेस्ट में आता है आपको भूलना नहीं है और अब एक्सट्रीम ईस्ट की हम बात करेंगे तो एक्सट्रीम ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार आता है इंडिया के एक्सट्रीम ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार आता है अब हम बात करेंगे अबाउट द मैरिटाइम बॉर्डर जो हम इंडिया शेयर करता है अन्य कंट्रियों के साथ अब मैरीटाइम बॉर्डर का मतलब आपको पता है कि जो समुद्री बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ समुद्री बॉर्डर की अगर हम बात करेंगे तो थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ हम लोग इंडिया बॉर्डर शेयर करता है और और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको भूलना नहीं है पालक स्ट्रेट जो हम श्रीलंका के साथ हम शेयर करते हैं तो पाल्क स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है ठीक है तो आपको भूलना नहीं है अब एरिया की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इंडिया का जो एरिया है दैट इज 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर आता है ठीक है है 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर आता तो ये काफी इंपॉर्टेंट है तो सिटी के हिसाब से द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज मुंबई तो आपको भूलना नहीं है और फ्रेंड्स आप जानते हो कि हम मुंबई को सपनों का शहर भी बोलते हैं और ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी माना जाता है चलिए अब बात करते हैं चाइना का जॉगर फिजिकल बाउंड्री के बारे में बात करते हैं फ्रेंड चाइना का भी सिमिलर है चाइना के वेस्ट साइड में पाकिस्तान आता है और चाइना के नॉर्थ में मंगोलिया आता है ठीक है आप यहाँ पर देख रहे होंगे इधर नीचे चाइना है और ऊपर मंगोलिया आता है तो आपको भूलना नहीं है तो इंडिया जो है चाइना के साउथ वेस्ट में आता है इंडिया जो है चाइना के देखिए यहाँ पर इंडिया है और चाइना के साउथ वेस्ट में आता है और वेतनाम जो है देखिए यहाँ पर नीचे वेतनाम देख रहे हो ना ये हाँ ये देखिए वियतनाम जो है इन चाइना के साउथ में आता है तो आपको भूलना नहीं है अब यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि चाइना के नॉर्थ में मंगोलिया है चाइना के साउथ में वियतनाम आता है तो इस तरीके क्वेश्चन बनता है क्योंकि यू में अक्सर हमने देखा है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है तो आपको भूलना नहीं है अब बात बात करेंगे एरिया के हिसाब से चाइना का जो एरिया है दैट इज़ नाइन पॉइंट फाइव नाइन लैक स्क्वायर किलोमीटर आता है और सबसे लार्जेस्ट सिटी जो है चाइना का दैट इज शांघाई तो आपको भूलना नहीं है फ्रेंड्स ठीक है तो इधर आप देख रहे होंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैप है दोस्तों आपको देखिए चाइना चाइना को किस किस कंट्री से सराउंड करता है यहाँ पर रशिया भी चाइना के बॉर्डर में आता है चाइना से लैंड बाउंड्री शेयर करता है कजाकिस्तान काफी इंपॉर्टेंट देश है दोस्तों यहाँ पर देखिए किर्गिगिस्तान ये भी चाइना के साथ शेयर करता है दोस्तों और यहाँ पर पाकिस्तान भी शेयर करता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट देश है यहाँ पर देखिए म्यांमार भी शेयर करता है चाइना के साथ बॉर्डर तो यहाँ पर लैंड बॉर्डर शेयर करता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको बोलना नहीं है तो ऑलवेज यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड यू सपोज टू नो द मैप ऑफ चाइना एंड द मैप ऑफ इंडिया फ्रेंड्स ठीक है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड तो देखिए फ्रेंड्स अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासिस और बॉर्डर जो है इंडिया के साथ इंडिया और चाइना को जोड़ता है नंबर वन चीज आप देख लीजिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन अबाउट द मैकमोहन लाइन एक ऐसा इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जो इंडिया और चाइना को जोड़ता है दोस्तों और ये शिमला कन्वेंशन ऑफ 1914 में बनाया गया था अगर हम मैगमोहन लाइन की बात करेंगे तो एक ऐसा इंटरनेशनल बाउंड्री है दोस्तों जो इंडिया और चाइना को जोड़ता है अब इसे कब बनाया गया था बताइए इस शिमला कन्वेंशन में हुआ था ऑफ नाइनटीन तो अगर हम नाइनटीन की बात करेंगे हाँ दोस्तों आप सही समझ रहे हो कि वो एक ऐसा दौर था जब वर्ल्ड वार वन शुरू होने वाला था ठीक है तो वर्ल्ड वार वन के टाइम पे शिमला कन्वेंशन साइन हुआ था किसके लिए बताइए फॉर मैकमोहन लाइन अब देखिए जो मैकमोहन लाइन है किसके के किसके बाद इस लाइन का नाम रखा गया है देखिए हमारे ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे एक ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे जिनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन तो इनके नाम पे मैकमोहन लाइन को बनाया गया है ठीक है इनके नाम पे मैकमोहन लाइन को बनाया गया है जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे अब कुछ इंपॉर्टेंट पासस की हम बात करेंगे ठीक है जो इंडिया में है और जो चाइना के साथ कनेक्टेड है नंबर वन हम पास की बात करेंगे नथूला पास दोस्तों ये सिक्किम में आता है नथूला पास सिक्किम में आता है दोस्तों जो इंडिया और चाइना को जोड़ता है सेकेंड हम बात करेंगे दोस्तों अबाउट द हिमाचल प्रदेश में एक पास आता है जिसका नाम है शिपकीली ठीक है शिपकी ला पास शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में आता है दोस्तों जो इंडिया और चाइना को जोड़ता है दोस्तों लास्ट हम बात करेंगे वी लेपू लेक पास लेपू लेक पास दोस्तों उत्तराखंड में आता है तो ये तीनों इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं ठीक है ठीके? और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है नथुला पास और शिपकीला पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इवन लेपुलग पास ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं है ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं ट्रेवलर्स है से जो एक्सपीडिशन करते हैं ठीक है मानसरोवर लेक हो और रिलीजियस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो या तो फिर आ, कुछ ऐसे माउंटेनियर्स हैं जिन्हें माउंट एवरेस्ट को स्केल करना पड़ता है तो इनको इस इंपॉर्टेंट पास से भी पासों के जाना पड़ता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप दोस्तों आपको भूलना नहीं है फॉर यू वॉट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर यू टू नो की दोस्तों कहां पर बताइए उत्तराखंड तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये डिस्प्यूट क्यों हो रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों हो रहा है बिटवीन द इंडिया एंड चाइना देखिए नंबर वन पॉइंट हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारे स्ट्रैटेजिक और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा भारत का अभिन्न अंग है अरुणाचल प्रदेश देखिए इंडिया ऐसा मानता है इंडिया अरुणाचल प्रदेश को एक्चुअली कंट्रोल करता है ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया कंट्रोल करता है अरुणाचल प्रदेश को और ये इंडिया का अंग है लेकिन चाइना मानता है कि ये हमारा अंग है तो चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो वहाँ पे ट्राइब्स या तो फिर जो लोकलाइट्स रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ठीक है थीके? ट्विस्ट करके क्वेश्चन मिल आता है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने कि मोइन बास मोइन बास लो बास जिसका दूसरा नाम आदि भी है और दायबा मैश ये किस पर्टिकुलर स्टेट के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं तो आपको याद रखना है दे आर द इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश दोबारा आपके लिए पढ़ता हूं दोस्तों दैट इज मोइनबास का दूसरा नाम आदि है और दायबा मैच दिस आर द इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया इट इज अरुणाचल प्रदेश फ्रेंड्स देखो तवांग डिस्ट्रिक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा तवांग मोनेस्ट्री के लिए ज्यादा फेमस है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए काफी ज्यादा फेमस है चाइन इंडिया इसे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कंट्रोल करता है लेकिन चाइना बोलता है कि ये हमारा है ऐसे कैसे हमारा चाइना आपका नहीं हो सकता ना ही आपका कभी होगा तो ये क्लेम अक्सर चाइना की तरफ से किया जा, जा चुका है कई बार अब हम बात करेंगे अबाउट अक्साई चीन फ्रेंड्स अक्साई चीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अक्साई चीन हमारे लद्दाख एरिया में आता है ठीक है लद्दाख एरिया में आता है तो चाइना कह चाइना इसे एक्चुअली कंट्रोल करता है

पॉलिटिकल फ्रीडम की हम हाँ बात करेंगे इंडिपेंडेंस की बात करेंगे कुछ ऐसे एरियाज थे जो इंडिया से नो uh, no, तो मतलब तो कोई एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसे हड़प लिया गया था जो कि इंडिया का ही पार्ट था तो फिर इंडिया कहता है कि शाक्शाम वैली इंडिया का है और शाक्शाम वैली कहाँ पर आता है बताइए ये लद्दाख में आता है ठीक है लद्दाख में आता है और ये जो है ना शाकशाम वैली दोस्तों ये पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है इन ड्यूरिंग द ईयर 1963 पाकिस्तान ने कहे था कि ये हमारा है तो आप ले लीजिए तो 1963 में चाइना को ऑफर कर दिया गया था बाय पाकिस्तान वैली और ये के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट में आता है दैट इज शाकाम वैली फ्रेंड्स आपने कभी सोचा कि ट्रांस का मतलब क्या होता है सोचिए सोचिए ठीक है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों ट्रांस का मतलब ये होता है कि आपके पास ट्रैवलिंग के दो दो मोड्स अवेलेबल होंगे तो ट्रांस का मतलब क्या होता है कि यहां पर टनल भी है और रोड भी है ठीक है समझ में आ गया आपको तो ट्रांस का मतलब क्या होता है कि ऐसा रूट जहां पर आप दो अलग रूट से आपके डेस्टिनेशन तक जा सकते हो तो ट्रांस का मतलब क्या होता है कि यहां पर मैं ट्रांस में इस कंटेस्ट की बात करूंगा तो यहाँ पर रोड का रूट भी अवेलेबल है और टनल का रूट भी अवेलेबल है तो आप दोनों रूट से पास कर सकते हो ठीक है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आगे बढ़ेंगे दोस्तों अब देखिए थोड़ा हम मैप पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के लेते हैं कि अक्सा चीन कहाँ पर आता है ये देखिए दोस्तों ये है अक्साई चीन जो चाइना बोलता है कि हमारा है और एक्चुअली चाइना इसे कंट्रोल करता है इंडिया लेकिन बोलता है कि नहीं दिस इज़ आर पार्ट तो ठीक है तो इसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं तो अक्साइड चीन को हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं अब देखिए है, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में ये है पाक ऑक्योपाइड कश्मीर जिसे आप पी ओ के भी बोलते हैं इस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग कहते है, line of control, हैं लाइन ऑफ कंट्रोल ठीक है तो आपके राइट right साइड में इट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना कंट्रोल करता है चाइना और इंडिया के बीच में आता है दोस्तों और एक तरफ है आपके लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आता है ठीक है तो हमने कई बार एक क्वेश्चन सुना होगा या तो फिर एक इंपॉर्टेंट uh, टर्म uh, को सुना होगा दैट इज यू नो अबाउट एल ए सी एंड एल ओ सी तो आपको भूलना नहीं है ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए नाइनटीन सिक्सटी थ्री में यहाँ पर शाकश्याम वैली है थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे ठीक है ये देखिए ये है शाकशाम वैली ये है शाकश्याम वैली जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ये कहाँ पर आता है बताइए ये? ये आता है इस पर्टिकुलर लद्दाख वाले रीजन में जो चाइना ने चाइना को ऑफर किया था पाकिस्तान ने इनविचर बताइए नाइनटीन सिक्सटी थ्री ठीक है 1963, तो आपको बोलना नहीं है अब हम राइट साइड वाले मैप की बात करेंगे देखिए थोड़ी देर पहले हम बात कर देने कि ट्रांस कोरा काराकोरम रेंज ट्रैक्ट तो यहां पर आता है तो यहाँ पर देखिए ढंग से लिखा हुआ है साक्षम वैली यहाँ पर आता है ठीक है यहाँ पर अपना इंडिया का शियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर आजाद कश्मीर यह अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब फ्रेंड्स पर आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और क्लेम बाय पर पेस्ट किया हुआ है देखिए अक्साइड चीन आप जानते हो चाइना कंट्रोल करता है लेकिन इंडिया बोलता है कि हमारा है हाँ इंडिया का है सेकेंड आप देखिए शाकश वैली की हम बात करेंगे चाइना इसे एडमिनिस्ट्रेशन करता है लेकिन इंडिया बोलता है कि नहीं ये हमारा है और आप जानते हो 1963 में शाकश्याम वैली को किसने दिया था ऑफ़र चाइना को ऑफ़र किया था दैट इज़ इट इज़ बिन ऑफर्ड बाय पाकिस्तान अब देखिए आज़ाद कश्मीर ये आज़ाद कश्मीर यहाँ पर है देखिए यहाँ पर है पाकिस्तान बोल पाकिस्तान इसे एडमिनिस्ट्रेशन करता है इंडिया लेकिन बोलता है कि हमारा है अब देखिए नॉर्थन एरिया की बात करेंगे ठीक है यहाँ पर नॉर्थन एरिया की बात करेंगे यहाँ पर है देखिए इसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन करता है इंडिया बोलता है हमारा हाँ इंडिया का है वो सियाचिन ग्लेशियर की बात करेंगे सियाचिन देखिए यहाँ पर है इंडिया ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन करता है और पाकिस्तान कहता है कि हमारा है और अक्सर आपने देखा होगा सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये भले ही वो यू, कारगिल युद्ध हो या तो 1965 का युद्ध हो या तो 1971 का युद्ध हो पाकिस्तान के साथ तो ये पॉलिटिकल और जोग्राफल पॉइंट ऑफ व्यू से सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो जम्मू एंड कश्मीर को तो आपको पता ही है ठीक है ये हंड्रेड इंडिया का ही आता है ठीक है इंडिया का इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली जम्मू एंड कश्मीर वॉट कैन बी पॉसिबल सोल्यूशन दोस्तों और चाइना को एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा ताकि हम हमारे सेंसिटिविटी से कंसर्न वाली चीजों को सॉल्व कर सके ठीक है फ्रेंड्स आप इग्नोर कर सकते हो बैकग्राउंड म्यूजिक को और ट्रैफिक वाला है तो आप उसको इग्नोर कर दो तो अगर हमें पॉसिबल सोल्यूशन चाहिए बिटवीन इंडिया एंड चाइना तो वीव टू बिल्ड अ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द टू नेशन सेकेंड हम बात करेंगे दोस्तों देखिए रिसेंटली दो हजार अक्टूबर में इंडिया और पाक इंडिया और पा, चाइना के का जो प्रेसिडेंट है चाइना का दैट इज जी जिनपिंग के साथ हमारे प्र, नरेंद्र मोदी जी ने इनफॉर्मल सेकेंड इनफॉर्मल सबमिट किया था दैट इज मीटिंग किया था कहाँ पर किया था बताइए ममलापुरम में किया था तो तमिलनाडु में आता है ममलापुरम तो वहां पर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इनफॉर्मल मीटिंग किया था विदि जिम्पिंग ताकि वो म्यूचुअल कंसर्न में आ सके टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड चाइना तो देखिए इंडिया काफ़ी सारे एफर्ट्स कर रहा है दोस्तों और कोशिश भी कर रहा है कि डिप्लोमेटिक टाइज बना बना के रखे और प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सुलझा दे और वहां से भी कॉन्क्रीट कमिटमेंट आना चाहिए चाइना से कॉन्क्रीट कमिटमेंट आना चाहिए दोस्तों अब थर्ड देखिए हमें एक दूसरे के नेशन के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को बनाया रखना पड़ेगा तो टू तो प्रमोट द एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉर्डर पर्सनल तो जितने भी हमारे बॉर्डर पे पर्सनल है आर्मी पर्सनल है या तो की और पर्सनल्स है जो हमारी बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं तो उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर होना चाहिए टू बिल्ड द कम्युनिकेशन बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन द टू इंपॉर्टेंट नेशंस, तो ये स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों तो बोलना नहीं है तो देखिए अगर हम सेकेंड की बात करेंगे तो फर्स्ट कहां पर फर्स्ट हुआ था मोदी जी और जी जिनपिंग के बीच में दैट इज इंटू वुहान में हुआ था तो वुहान आपको पता है आपको बोलना नहीं है तो वुहान इज द इम्पोर्टेंट प्रोविंस जिसने कोविड नाइनटीन को जन्म दिया दैट इज इच इज अ पार्ट ऑफ कोरोना गुरु वायरस तो वन ही ऐसा था जो प्रोविंस था एक सिटी था चाइना में जिसने अभी भी है इसने कोरोना वायरस को एक्चुअली स्प्रेड किया था तो एक एपी सेंटर है ठीक है तो आपको बोलना नहीं है तो ये ढोकलाम इश्यू के बारे में था देखिए जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन समिट था बिटवीन मोदी जी और जी जिनपिंग दैट वॉज फॉर ढोकलाम इश्यू टू ढोकलाम ये आपका होमवर्क है दोस्तों आपको पता लगाना कि ढोकलाम कहाँ पर आता है काफी ज्यादा न्यूज में था तो आपको याद रखना तो ढोकलाम कहाँ पे आता है तो इसका ट्राइजेक्शन कहाँ पर आता है किस स्टेट में वहाँ आता ढोकला में और कौन सा कंट्री था इसमें तो ये आपका होमवर्क रहेगा तो आपको सर्च करना है तो देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होमवर्क वाले क्वेश्चन है अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको करना है तो आई वुड बी विशिंग कि पे सारे चीज़ों सारे क्वेश्चन को आप भली गूगलिंग करें या तो फिर वेरियस जी के फैक्ट बुक से आंसर निकालें तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको बताना है मुझे ऑन माई नेक्स्ट वीडियो और आप मुझे इनबॉक्स करके भी इसका आंसर दे सकते हो वट इज द लेंथ ऑफ बॉर्डर दैट इंडिया शेयर विथ चाइना तो कितना लेंथ है किलोमीटर के हिसाब से बताना है ठीक है इंडिया और चाइना का कितना बॉर्डर लेंथ है ठीक है किलोमीटर के हिसाब से आपको मुझे बताना है सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए विच स्टेट्स विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ चाइना कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो दो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं चार हो सकते हैं तो आपको मुझे बताना है ठीक है थर्ड क्वेश्चन आप देखिए कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट बॉर्डर गार्ड फोर्स है जो इंडिया और चाइना पे सुरक्षा देता है इंडिया को ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स कौन सा है जो इंडिया और चाइना पे तैनात है तो आपको बताना है आपको तीसरा क्वेश्चन हो गया फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए यहां पर आपको मुझे यह बताना पड़ेगा कि विच इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर स्टेट ऑफ इंडिया विथ चाइना तो कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ और लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है स्मॉलेस्ट बाउंड्री स्टेट कौन सा है इंडिया में जो चाइना के साथ शेयर करता है तो यह आपकी पांच क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या तो आपके पर्सनल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको बोलते हैं दिस एंड दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप प्लीज मेरे इस वीडियो को बार बार देखिए मैक्सिमम शेयर कीजिएगा अगर आपको लगा कि ये किसी और आपके फ्रेंड्स को भी हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स प्लीज़ गो थ्रू दिस टॉपिक रीड दिस टॉपिक रिपीटेडली अगेन एंड अगेन इसको याद करिए इसको आप लिख लिख के याद कीजिए मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपके एग्जाम में विद रिस्पेक्ट टू इंडिया और चाइना कोई भी टॉपिक आएगा तो आप इसे मिस बिल्कुल नहीं करने वाले हो तो आई आई विश यू अ वेरी हैप्पी और हेल्दी लाइफ अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली हैव अ ग्रेट डे अहेड Jai hind friends, take care.